ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया मेरे बचपन का यार है मेरा शाम यही सोच के मैं आस लेके आया कन्हैयास कह दो अरे द्वार पालो कन्हैयास कह दो इधर पे सुना गरीब गया है इधर पे सुना गरीब गया हे भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुना सुदामा जी महाराज द्वारपाल से कहते हैं द्वारपाल खबर लेकर के आता है भगवान कृष्ण के पास और द्वारपाल आकर के कहता है भगवान कृष्ण से शीश पगान झगातन तो प्रभु जान को आए पशु कही धोती पति जी बती लुकती और पाहे उपाहन की नहीं सामान द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकितो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल सुनाम बतावत आपन नाम सुधा बतावत आपन नाम सुनाम आपन नाम सुनाम सुनते की दौड़े और भगवान भैया पंडित जी पूजा बाद में होगी सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मणि को बड़ा
ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब ये मेहमान कैसा अजीब अरे द्वारपालो बोल सुदामा जी महाराज की बराबर पे अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए ठाकुर जी कहते हैं न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया खेलो इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब द्वारकाधीश भगवान की सुदामा जी महाराज की और सुदामा जी को भगवान ऐसे दौड़े की दुपट्टा कहीं गिरा मुकुट कहीं गिरा और उनको हृदय से लगा करके आए आसन पर बैठाला और चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठ करके उनके चरणों को देख रहे हैं कि खून ही खून रक्त ही रक्त हैं कांटे लगे हैं और भगवान यहाँ पर जैसे ही सुदामा जी महाराज की दीन दशा को देख रहे हैं तो आंखों से आंसू आने लगे देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर करुणा निधि देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात दुख हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सोपग रोए पानी परात दुख हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सोपग रोए और भगवान ने चरणों को धुला अपने आंसुओं से सुदामा जी महाराज बैठाला आसन दिया और यहाँ पर सुदामा जी से बातें करने लगते हैं बैठ जाते हैं सुदामा जी और भाई सुदामा बड़े दिनों में याद आई तुम्हें हमारे द्वारका अरे बोले गोविंद तुम्ही ने तो हमें कभी याद नहीं किया कभी खबर नहीं की बता भाई शादी आदि हो गई बोले शादी हो गई प्रभु की कृपा से चार बालक भी हैं तुम बता बोले हमारी एक आध भाई हो तो बताए हमारी तो भाई 16108 सुदामा जी के लगे एक हो ढोला झेला बार पक गए तुम 16108 एक ही लोग आई के मन को करवे बारे में तो बड़ी टेंशन हो जा तुम तो 16108 कैसे हैं सर बोले वाह हम ही जाना हमारे मुंह पे कैसे बाजी बाजी बोले चवर बताओ तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ रखा कि नहीं बोले नहीं
अब सुदामा जी को याद आया वो पोटली। सुदामा जी ने कहा बताओ इतना बड़ा राजपाट